नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ जमील पठाण, आप जो रहा छो तीर समाचार। दर्शक मित्रों, मारी पाछळ आप जोई शको छो राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान एटले के नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एटले के दिव्यांगजन। आ दिव्यांगजन एटले के मानसिक अस्वस्थ जे 8 वर्ष थी लईने उमरनो कोई बाद नथी एवा तमाम मानसिक अस्वस्थ लोको माटे आ संस्था द्वारा किट डिस्ट्रीब्यूशन राखवामां आव्युं छे। नवी दिल्लीना एक मिनिट नोएडा से है ना, नोएडानी आ एक संस्था छे जे केंद्र सरकारनी संलग्न छे अने तेमना द्वारा आप जोई शको छो आ जे किट अहींया मूकवामां आवी छे। ₹10,000 करता वधुनी किंमतनी आ किट छे के जेमां दरेक वस्तु जे छे के मानसिक अस्वस्थ एटले के जे दिव्यांगजन छे तेनो मानसिक बौद्धिक विकास थाय अने ते पोते पण आत्मनिर्भर बनी शके, मोटो थईने तेना तेनुं पण मानसिक उत्थान थाय विकास थाय तेना माटे आ तमाम प्रकारनी किटनुं वितरण करवामां आव्युं छे। छोटाउदेपुर जिल्लाना लगभग 75 जेटला आ दिव्यांगजनने आ किटनું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। આપણી સાથે જે સંસ્થામાંથી આવ્યા છે તેમને સાથે વાત કરીશું અને સમગ્ર વિગત શું છે તે જાણીશું। સર, ક્યા નામ હે આપકા ઓર કહાં સે હો? મેરા નામ મુકેશ મનોચા હૈ, મેં રાષ્ટ્રીય બૌદ્ધિક સશક્તિકરણ દિવ્યાંગજન સશક્તિકરણ સંસ્થાન કે નોઈડા વાલે સેન્ટર સે હું, ઓર આજ છોટા ઉદયપુર મેં સમગ્ર શિક્ષા કે સાથ 2526 કો કિટ વિતરણ કરને કે લિયે યહાં પર આયા હું, જિસકે અંતર્ગત હમ છોટા ઉદયપુર કે સારે હી जितने भी तालुका हैं उनके अंदर जितने भी जो हमारे दिव्यांगजन हैं बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे उनको उनकी क्षमता और ज़रूरत के अनुसार हमारा जो किट का वितरण का समग्र शिक्षा के साथ जो हमें डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं, रूरल्स गांवों के जो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए हैं उनके लिए 2526 का ये कैंप का आयोजन किया गया है निपिट के द्वारा। ये किट में ऐसी कौन सी चीज़ें और क्या क्या है कि जिसकी वजह से उनको फ़ायदा होगा? इससे पहले मैं एक निपट के लिए छोटा सा एक आपको बता दूं कि जो हमारी जो संस्था है वो पिछले 30 सालों से 40 सालों से इस क्षेत्र के अंदर काम कर रही है, जो स्पेशली जो हमारे बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे होते हैं इनके ऊपर रिसर्च कर रही है, इनके अभिभावकों के साथ मिलकर इनकी जो चीज़ें हैं उनको जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इस किट में जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्या है, कि क्यों अलग अलग है, ये क्यों टॉय नहीं है, ये किट है। अगर आप किट को देखेंगे जो अभी आपके सामने टेबल पे खुली हुई है, इसके अंदर हम जो ये किट है, किट नंबर 4, हम 14 साल से जो वर्ष के ऊपर जो बच्चे होते हैं या उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है उनको एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस किट को डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर जितने भी आप सामान देखेंगे वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाते हैं, उसको एक रोज़गार की ओर लेके जाते हैं। अगर मैं ध्यान से कहूँगा तो उसको रोज़गार की ओर लेके जाते हैं। इसके अंदर मेजरमेंट है, आज के तारीख में फ़ोन आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, समय के साथ रहना ज़रूरी है, समय के साथ चीज़ों को एसोसिएट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे भारतवर्ष में राज्य के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उनका क्या राज्य है, हमारी जानकारी होना ज़रूरी है। तो इस किट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बौद्धिक क्षमता वाले, पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैं, उनकी ज़रूरत और उनकी एज के अनुसार इस किट को डिज़ाइन किया गया है। अगर आप कोई भी टॉय मार्केट से लेंगे तो उसका पर्पस होता है सिर्फ खेलना और तोड़ देना, लेकिन हमारी किट का पर्पस है इससे बच्चा सीखे। साथ में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं या कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल की व्यवस्था नहीं है, तो वो अपने घर में रह के इस किट के माध्यम से उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद तीर समाचार से बात करने के लिए। हूँ आपने बतावी इसके अहियाँ जे आज बौद्धिक अस्वस्थ मानसिक अस्वस्थ जे बाळकों कही शकाय ते बाळकों अहियाँ तेमना वालीओ साथे आव्या छे अने तेमने आ किटनुं वितरण अहियाँ करवामां आव्युं छे। चोक्कसथी कही शकाय के आ जे छे ए किट रमकड़ा नथी, परंतु तेमनो मानसिक विकास थाय अने ते આગળ જતા આત્મનિર્ભર બની શકે, સ્વરોજગાર મેળવી શકે તેટલું તેમનો માનસિક વિકાસ થાય તેના માટે આ કિટ આપવામાં આવી છે। અને છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં 75 જેટલા આવા માનસિક અસ્વસ્થ જે બાળકો છે તેમને આ કિટનું વિતરણ કરવામાં આવશે। ધન્યવાદ। છોટાઉદેપુર સહિત રાજ્ય, દેશ અને દુનિયાના સમાચાર જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો તીર સમાચાર અને બેલ આઇકોન જરૂર દબાવો।